हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आज की डेट में यहाँ पर आ चुके हैं। इस वीडियो को जाते देख लीजिए। चार्ट पैटर्न कह रहा है कि भाई यहाँ पर से मैं भागता हुआ नजर आऊंगा, अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आऊंगा। तो यहाँ से ये शेयर आपको गोली होता हुआ दिखाई दे सकता है, अच्छी तरह भागता हुआ दिखाई दे सकता है। 38% ये रिटर्न इस बार मुझे यहाँ पर देता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप निफ्टी, यहाँ पर सबका एक बार रिव्यू लेके देखेंगे देखेंगे कि कितना मार्केट और यहाँ पर गिर सकता है, कितने यहाँ पर शेयर और रिट्रेस हो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को, जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और वीडियोज को जाके देखिए। सारी वीडियोज को आपके लिए बनाई जाती है, सीखने का मौका मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर सीख के यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है मार्केट में। यहाँ पर सीखने के लिए आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। और आपका हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, जाके आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारी इस वीडियो को जाके देखिए और लाइक करिए, सपोर्ट करिए हमें जितना हो सके, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर टिके हुए हैं और आपको यहाँ पर वीडियोस बना बना के यहाँ पर देते रहते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी का एक रिव्यू लेते हुए दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखेंगे हम इंडिया विक्स। इंडिया विक्स हमें हमेशा देखना चाहिए। इंडिया विक्स आपको बता देगा कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है, हमें यहाँ पर चीजें बेचनी है, हमें चीजें यहाँ पर खरीदनी है, यहाँ पर सब चीज का एक आइडिया देता हुआ नजर आ सकता है। तो इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स थोड़ा बहुत और गिर सकता है और गिरने के बाद शायद यहाँ पर दोबारा ये भागने की कोशिश करेगा। तो इंडिया विक्स की तरफ नजर बनाइए। इंडिया विक्स जितना ऊपर जाएगा ओके याद रखिएगा उतना खतरनाक होता है, और इंडिया विक्स जितना नीचे आएगा ओके उतना ही यहाँ पर अच्छा माना जाता है। तो इंडिया विक्स की तरफ भी नजर बनाइएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी, देखिए निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना नीचे जा रहा है कितना ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये किस चीज से बना होता है, ये बने होते हैं स्टॉक से। कौन से स्टॉक? जो आप हम आपके हमारे पोर्टफोलियो में है। तो इसमें क्या होता है कि आपको चीजें देखनी है स्टॉक्स से रिलेटेड कि आपके स्टॉक्स यहाँ पर आपने जो स्टॉक्स लिए वो अच्छे हैं या नहीं है। मार्केट में देखिए न्यूज आती रहेगी, मार्केट में आप यहाँ पर अगर डालेंगे गूगल पे भी कि वाई मार्केट क्रैश टूडे ओके यहाँ पर केवल मार्केट क्रैश भी डाल देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन यहाँ पर आपको दिए कि 3 स्टॉक्स आर सेफ और ओके डिफरेंट डिफरेंट न्यूज यहाँ पर इंटरनेशनली आती रहती है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुआ ओके यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर चीजें आपको दिखाते हुआ दिखाई देगा। बट इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में चीजें आपके पास कौन से स्टॉक्स है ना उस पर मैटर करता है, और उस स्टॉक से रिलेटेड कोई बेकार न्यूज तो नहीं आ रही, बस इस पर ध्यान देना है। बाकी आपको ध्यान देना है कि मार्केट के जो नंबर आ रहे हैं वो कैसे है, क्वार्टरली आपने जो शेयर लिया वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, वो मेन मैटर करता है ओके। और मैटर करती है कि आपने जो चीजें खरीदी है ओके वो नीचे जा रही है तो आपको यहाँ पर बाई ऑन डिप्स करनी है ओके। अगर अच्छी चीज है तो यहाँ पर खरीदते रहिए, बेकार चीज है तो यहाँ पर बाई ऑन डिप्स करने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पर एग्जिट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। कल के डेट में मैंने कुछ स्टॉक्स थे मेरे पोर्टफोलियो में, वहां पर मैंने उन्हें लॉस में निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि मुझे अच्छे स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहे थे तो मैंने कि कोई नहीं थोड़ा सा यहाँ लॉस बुक कर लेते, कभी कभी लॉस बुक करना भी प्रॉफिट वाला काम होता है, क्योंकि वो उनके रिजल्ट ही काफी टाइम से अच्छे नहीं आ रहे थे, वो कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर रही थी और आगे चल के भी मुझे नहीं लगता यहाँ पर 1-2 साल से पहले वो कंपनी परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर हमने अपने वॉच लिस्ट से भी हटा दिए, अपने पोर्टफोलियो से भी हटा दिए। और हमने इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, इन्वेस्टमेंट केवल इतना ही करना है कि हर एक स्टॉक्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट। अब काफी लोग यहाँ पर कार ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कार ट्रेड नीचे आ गया, कार ट्रेड नीचे आ गया सर, हमने 1600 रुपए पे लिया, हमने 1400 पे लिया, हमने 1100 पे लिया और अभी ये 1050 पे आ गया। देखिए फर्क नहीं पड़ता कि ये 500 रुपए भी आ जाए ओके, क्यों? क्यों आपने अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इसमें दे रखा है? आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपने इसमें कितने, आपने 1 लाख ही लगा दिया है तब तो आपको यहाँ पर डेंजर में है। आपने 50,000 लगा दिया तो भी डेंजर में है, आपने यहाँ पर 20,000 लगा दिए तो भी एक बुरी बात है क्योंकि 20% आपने पैसा लगा दिया। अगर आपने केवल 5,000 रुपए यहाँ पर लगाया है, आपने 10,000 रुपए यहाँ पर लगाया है और आपने 2,000 रुपए यहाँ पर लगाया है तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर इतने ही रिस्क लिए अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो स्टॉक्स को डाइवर्सिफाइड करके रखिए, जितना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा उतना यहाँ पर मार्केट में जब यहाँ पर चीजें रिकवर होंगी उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए रहेगा। और ज्यादा भी यहाँ पर डाइवर्सिफाइड नहीं करना, मतलब आपके पोर्टफोलियो में 100-200 शेयर भी नहीं होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में 30-40 शेयर है
इनफ है, वेल इनफ है, अपने पोर्टफोलियो को अपने पैसों के हिसाब से यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। अब बात कर लेते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, तो बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो एक बेहतरीन सपोर्ट में यहाँ पर खड़ा हुआ है। लास्ट टाइम जब ये यहाँ पर गिर रहा था तब भी आपको बताया था कि ये यहाँ पर अच्छा खासा क्रैश हो सकता है और यहाँ पर इसने सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। तो इसने यही सपोर्ट जो यहाँ पर लास्ट सपोर्ट था, इसने यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। अगेन यहाँ पर ये शेयर ऑलरेडी यहाँ पर 17, अगर मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दे दूं पूरी, 17,622 अभी कितना चल रहा है, 17,764, तो लगभग 100 पॉइंट्स और नीचे आ सकता है। आ सकता है, मतलब ये नहीं है कि आ ही जाएगा, ओके आ सकता है। और यहाँ पर अगर ये आता है तो यहाँ इसके बाद यहाँ पर चीजें दोबारा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और यहाँ पर चीजें अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा पहले भी यहाँ पर ये कितने के RSI पे, अगर मैं यहाँ पर RSI की बात करूँ तो ये 42 के RSI पे रिकवर यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दिया था, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पर अभी 44 चल रहा है, तो शायद 2 पॉइंट्स और नीचे जाके चीजें ऊपर मूव करते हुए दिखाई दे सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद यहाँ पर जो इसने आज क्लोजिंग दी है ये इसी से यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है मंडे को। अगर गिरावट होती है तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करिए, मार्केट में क्या न्यूज है क्या नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर जो 3 महीने में हम यहाँ पर मार्केट रिकवर हो रही थी वो 6 महीने ले ले और शायद 1 साल ले ले, बस इतना ही टाइम लेगी, इससे ज्यादा यहाँ पर टाइम लेगी। इंडिया का फ्यूचर काफी बेहतरीन है, यहाँ पर ये चीजें ऊपर ही जानी है, बस ये नीचे आ रही है जस्ट बिकॉज यहाँ पर ज्यादा वैल्यू हो गई है। नीचे आके यहाँ पर एकदम यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगी चीजें, फिर वही चीजें जो आपने खरीदी है वो दोबारा भागती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए यहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ कि ये चीजें दोबारा नीचे आ गई है, खरीद लीजिए। तो निफ्टी 50 की बात हो गई, ये बेहतरीन सपोर्ट है, 100 रुपए और नीचे आ सकता है तो यहाँ पर इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं एक और चीज की, यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है, बट यहाँ पर गिरावट और गहरा सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा। देखिए यहाँ पर सपोर्ट की बात करें, इसने भी यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, एक जो यहाँ पर सपोर्ट बन रहे हैं ना, यहाँ से शायद ऊपर चले जाए, बट अगर नहीं जाता तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, जो कि यहाँ पर 2,000 पॉइंट तक की गिरावट यहाँ पर हो सकती है। बट अगर सब चीजें यहाँ पर ऊपर रिकवर होती हुई नजर आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये भी शेयर यहाँ से ही रिकवर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करूं तो निफ्टी 50 से अच्छा निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के जितने स्टॉक्स हैं ना उनकी तरफ नजरें बना के रखिए, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छे खासे सपोर्ट पे ये चीजें खड़ी हुई है, फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं पता, 100-200 पॉइंट या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर और नीचे गिर सकता है कुछ पॉइंट्स हो, क्योंकि अलग यहाँ पर जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट इसने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया है, ओके। इसके अलावा अलग अलग यहाँ पर सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हैं कि ये कौन से सपोर्ट पे यहाँ पर टिकता है और कौन से सपोर्ट से यहाँ पर रिकवर करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर 1,000 पॉइंट तक की गिरावट और हो सकती है, होती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, फिर उसके बाद दोबारा भागता हुआ ये दोबारा जो इनके शेयर भागते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा निफ्टी PSU की बात कर लेते हैं, क्योंकि PSU बैंक यहाँ पर बहुत ज्यादा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी PSU बैंक यहाँ पर देखिए अच्छा खासा परफॉर्म यहाँ पर काफी टाइम से कर ही रहे हैं, किस तरीके से शेयर यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिए थे। अगेन यहाँ पर बात करें तो यहाँ से ऊपर जाती हुई चीजें ही दिखाई दे रही है निफ्टी PSU में, ऊपर नीचे जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, फिर भी अगर यहाँ पर गिरता है थोड़ा सा तो यहाँ पर 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ सकती है, इधर से यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर इसे सपोर्ट मान के चलिएगा। इसके अलावा बात करते हैं निफ्टी IT की। निफ्टी IT में एक बेहतरीन यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है। निफ्टी IT में यहाँ पर देखिए आपको बताया था कि यहाँ से चीजें रिकवर होगी, तो चीजें यहाँ से रिकवर हुई थी, यहाँ पर फिर आज के दिन में जब गिरावट थी तो इसमें भी यहाँ पर गिरावट हुई दोबारा। यहाँ पर अगर नीचे के लेवल की बात करूँ तो नीचे के लेवल 2000 पॉइंट तक का यहाँ पर 1500 पॉइंट की आती है कि 1500 पॉइंट तक गिर सकता है, बट इतना गिरता हुआ दिखाई नहीं देगा। चीजें दोबारा यहाँ पर अच्छी खासी हो रही है, बहुत सारे IT के स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आपको ऑल टाइम हाई पे भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ निकल सकते हैं, तो उन शेयरों की तरफ ज्यादा नजरें बना के रखिए। वही शेयर मैं आपको बता भी रहा हूँ, उन्हीं शेयर में यहाँ पर अच्छी खासी जंप दिखाई भी दे रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं निफ्टी FMCG की। तो निफ्टी FMCG मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि निफ्टी FMCG काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है, ओके। इसने एक कंसोलिडेशन फेज था यहाँ पर जो यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, चीजें दोबारा निकलेगी यहाँ पर, दोबारा निकल के अच्छी खासा यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के फेज है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज के बाद चीजें निकलती हुई दिखाई देगी, तो निफ्टी FMCG की तरफ ध्यान दीजिएगा। निफ्टी मिड कैप की एक बार बात कर लेते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 यहाँ पर आ गया है, तो अगर निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो अगेन यहाँ पर वही चीजें मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर शेयर गिर सकता है,
ओके, यहाँ पर अलग अलग पाइवेट पॉइंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी स्ट्रॉन्ग जो पाइवेट पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 30,490 के आसपास का है। तो लगभग अगर हम बात करें 200-300 पॉइंट दोबारा ये रिट्रेस हो सकता है, नीचे गिर सकता है, गिरने के बाद फिर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और अच्छे खासी यहाँ पर निफ्टी मिड कैप ज्यादा चलता भी है तो उसी तरीके से गिरावट भी होती है। आज के दिन लगभग 450 पॉइंट की गिरावट हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप भी सेम इसी की तरह यहाँ पर बिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा चल रहा था कल तक, बट आज के दिन में यहाँ पर 182 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट हुई है। अगेन इसके लिए जो पाइवट्स पॉइंट है यहाँ पर मुझे कुछ ये एक पॉइंट ये नजर आता है, ओके, जो कि यहाँ पर कितना लगभग अगर हम देखें तो लगभग 1000 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट नजर आती है। स्टिल यहाँ पर जब पूरा मार्केट रिकवर होगा, ओके, निफ्टी यहाँ पर रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो स्मॉल कैप भी रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। और आपको बताना चाहता हूँ जब जब इस तरीके की यहाँ पर कैंडल बनी है, देखिए यहाँ पर ये चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी, ये ऊपर जाती हुई दिखाई दी, फिर यहाँ पर ये नीचे नीचे आई, ये यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से रिकवर हुई, रिकवर होके फिर बीच में यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर रेड बनी, यहाँ पर भी रेड कैंडल बन रही है और फिर इसके बाद चीजें दोबारा यहाँ पर निकलती हुई और कितनी यहाँ पर देखेंगे तो 8,149 पॉइंट से लेके यहाँ पर लगभग 2,000 से 2,500 पॉइंट यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था स्मॉल कैप। इसी तरीके से दोबारा यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आ सकती है, याद रखिएगा करेक्शन होना था, हो लिया। क्या ब्रोकरेज फर्म कह रही है, क्या यहाँ पर नमोरा कह रहा है, क्या यहाँ पर गोल्डमैन सैच कह रहा है, क्या कौन क्या कह रहा है, डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता चीजों से, आपके पास कौन से स्टॉक्स है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर नीचे आ गए जो हमने बताया है, ध्यान दीजिए और वही स्टॉक्स यहाँ पर भागते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें अगर हमारी याद रह गई है तो वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। मेटल, तो निफ्टी मेटल यहाँ पर देख लेते हैं। निफ्टी मेटल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक अच्छे खासे थोड़ा सा यहाँ पर और यहाँ पर बात करें, एक तो ऑलरेडी पाइवट्स पॉइंट पर ये चल रहा है, यहाँ से हम गिरना बहुत मुश्किल है, फिर भी अगर यहाँ पर गिरता है तो यहाँ पर इस पॉइंट को जो 5,294 का है, 5,294 का 200 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है और 200 पॉइंट की गिरावट होने के बाद ये चीजें दोबारा निकलती हुई दिखाई देगी और ऑल टाइम हाई लगाती हुई दिखाई देगी इस बार चीजें। तो निफ्टी मेटल की तरफ ध्यान दीजिए, निफ्टी मेटल अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके आपको यहाँ पर दोबारा पैसे बना के देगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं फार्मा की। फार्मा का स्ट्रक्चर गड़बड़ाया हुआ है, जस्ट बिकॉज व्हाट, जस्ट बिकॉज सिंपली एक रीजन है कि यहाँ पर जो रैली होनी थी अच्छी खासी वो ऑलरेडी रैली हो चुकी है, कोविड यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, सबकी अर्निंग पे यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इन शेयरों की तरफ ध्यान दीजिए। ये शेयर और थोड़े यहाँ पर रिट्रेस हो सकते हैं या फिर बहुत लंबे कंसोलिडेशन के लिए, क्योंकि निफ्टी फार्मा कंसोलिडेशन के फेज पे चलता है, एक साथ ही न्यूज आई कुछ आया नेगेटिव तो यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देता है, बट उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के फेज में है, तो यहाँ पर आपके पैसे एक बार समझिए कि घाटे में नहीं हो आप लोग, बट आपके पैसे फंसे हुए हैं, सिंपल सी बात यह है। और थोड़ा बहुत यहाँ पर रिट्रेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक बेहतरीन प्राइवेट पॉइंट पे ये शेयर यहाँ पर चल रहा है, यहीं पर ही कंसोलिडेट करता रहेगा और भागना होगा तो फिर एक साथ ही यहाँ पर भाग लेगा। तो यहाँ पर बड़े पेशेंस की यहाँ पर जरूरत है निफ्टी फार्मा में। बाकी अगर बात करें निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी, ये सारी निफ्टी एफएमसीजी, ये सारे अट्रैक्टिव नजर आते हैं और इन्हीं में आप क्या यहाँ पर पैसा बनता हुआ दिखाई देगा और अपने पैसों को उसी तरीके से एलोकेट करके रखिए। जो चीजें ज्यादा भाग ली है उनके पीछे भागिए मत और जो चीजें यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है उनके पीछे यहाँ पर भागना शुरू करिए, क्योंकि वही चीजें यहाँ पर अच्छे खासे पैसे देती हुई नजर आएगी। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। कुछ और क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरी वीडियोज को यहाँ पर करें, कमेंट करें, देखिए। और अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर इस वीडियो को, इस नंबर को सेव कर लीजिए इन्वेस्ट फॉरएवर के नाम से और हमें व्हाट्सएप करिए, आपको यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे या फिर हम यहाँ पर ओवर द मैसेज भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। सो आज के लिए अलविदा, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।